राम राम। स्वागत है आप सबका अन अकेडमी लाइव RPSC पे। और मैं कपिल चौधरी आपके लिए जो शाम को 7 बजे की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आप कंटिन्यू रहें, पढ़ते रहें। और आज हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, जैसे मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान हो, चाहे IU64 फॉर्मूला हो, चाहे ब्लैक फंगस की बात हो, सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। गुड इवनिंग RP राम प्रसाद, मनु, प्रीति, नंदराम, सवनलाल जी, कविता, सुमन, आप सबका स्वागत है अन अकेडमी लाइव RPSC पे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी क्लास 7 बजे होती है इसका आपको पता चल जाए, ये भी ज़रूरी है ना। और हमने ये जो टाइम शाम का 7 बजे की आपकी जो कंटिन्यूटी है, मैं तो चलो रेगुलर क्लास लेता ही हूँ, लेकिन आप भी जो निरंतरता से बने हुए हैं, ये श्योर है कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए ये क्लास काफ़ी लाभदायक होगी, क्योंकि ये केवल करंट अफेयर या आपकी सूजस नहीं है, इसमें हम ऐसी सारी चीज़ें याद कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, जो चाहे कोई टॉपिक साइंस का आया तो हमने साइंस का पूरा कवर किया है, और जब कोई टॉपिक जो है आपका पॉलिटी का आया तो हमने पॉलिटी पूरी कवर की, और जब कोई टॉपिक जो है आपका हिस्ट्री का आया तो हमने उसकी हिस्ट्री भी पूरी देखी। तो करंट अफेयर विथ GK है ये, और मैं कपिल चौधरी। आप सब जो अगर अन अकेडमी पर मुझसे पढ़ना चाहें तो अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करें और Kapil07 कोड लगा के एडमिशन लें, और अगर फ्री क्लास लेना चाहते हैं तो भी दोस्तों आप जो है वो ले सकते हैं। याद रखें कोड Kapil07, बात 10% डिस्काउंट की नहीं है, वो तो इस कोड से भी मिलेगा और किसी और कोड से भी मिल जाएगा, मुद्दा है मार्गदर्शन का और कंटेंट का जो कि मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। केवल मेरा उद्देश्य किसी को सपने दिखाना नहीं है, आपको संतुष्टि, मार्गदर्शन और कंटेंट जो है वो Kapil07 से जरूर मिलेगा। दिमाग लगाओ, फिर कोड लगाओ। फ्री क्लासेस जो हैं वो भी आप मेरी ले सकते हैं। फ्री क्लासेस जो हैं वो 10 बजे दोस्तों आप जो प्रतिस्पर्धा टेस्ट दे सकते हैं अन अकेडमी पर, और 3 बजे अभी हमने स्टार्ट किया है शाम को राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे टॉपिक जो आपने छोड़ रखे होंगे वो हम कवर करेंगे। अगर आप मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं तो कल से ही बैच स्टार्ट है, जिसमें पहली क्लास ही मैं लूँगा दोस्तों रात को 9 बजे। तो कोड लगा के Kapil07 एडमिशन ले लो SI वाले स्टूडेंट, और दोस्तों उसी तरीके से अगर RS के लिए पढ़ना चाहते हो तो भी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं उसके बाद, और अभी 12 महीने पर 2 और 24 महीने पर 3 का ऑफर भी चल रहा है। बात करते हैं ऑक्सीजन संकट की। कल हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की थी। गुड इवनिंग। जो लाइव है वो तो लाइक कर दो, जो बाद में आएंगे वो बाद में कर देंगे। तो ऑक्सीजन संकट अगर हम बात करें, कल ही हम सब लोगों ने इस चीज़ पे चर्चा भी की थी कि फर्स्ट लहर क्या है, सेकंड लहर क्या है, सेकंड लहर कैसे अलग है, या आपका जन अनुशासन पखवाड़ा क्या था, उसके बाद में महामारी रेड अलर्ट जो था वो क्या था, और धारा 144 का मामला था वो क्या था, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। अब बात करते हैं ऑक्सीजन संकट की। ऑक्सीजन संकट जो है वो अगर बात करें तो पहले सामान्यतः 20% जो आपके पेशेंट हैं उनको ही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन सेकेंड वेव में 80% को पड़ने लग गई। तो 3 माह पहले अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की खपत केवल दोस्तों आपके यहाँ 6500 सिलेंडर प्रतिदिन थी, जो कि दोस्तों बढ़कर 31425 सिलेंडर प्रतिदिन हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा है। 31425 सिलेंडर प्रतिदिन, एक दिन की मांग जो है दोस्तों वो 615 मैट्रिक टन से बढ़कर 795 मैट्रिक टन जो है वो हो गई आपकी ऑक्सीजन की मांग, और यह ऑक्सीजन की मांग जो है बढ़ती ही जा रही थी। तो दोस्तों आप याद रखेंगे तो केंद्र सरकार से मात्र हमें 270 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रही थी, हमारे मतलब बहुत कम। अगर हम देखें चाहे अपने यहाँ केसेस की बात करें, चाहे हम यहाँ पे सीरियस केसेस की बात करें, हमारा जो कोटा था उससे कम ही मिल रही थी। गहलोत साहब ने कई बार जो इस मुद्दे को भी उठाया था, केवल 800 लगभग 800 मैट्रिक टन की मांग पे केवल 270 मैट्रिक टन मिल रही थी, उसमें एक भिवाड़ी से मिल रहा था 100 मैट्रिक टन, लगभग जामनगर से 70 मैट्रिक टन, कलिंग नगर आपके जो है वो उड़ीसा में है वहाँ से 60 मैट्रिक टन, और बोहरानपुर आपके दोस्तों MP से है वहाँ से 40 मैट्रिक टन जो है आपको मिल रही थी। इन 4 प्लांट से दोस्तों अपने को 270 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रही थी। अब आप खुद सोचिए
ऐसी कंडीशन में क्या हमें और ऑक्सीजन के प्लांट लगाने चाहिए, ये क्या करना चाहिए, क्योंकि सेंटर से तो है केवल और केवल हमें 800 के अनुपात में 270 मेट्रिक टन ही मिल रही है। मांग बढ़ती जा रही थी सेकेंड वेव में, चलो अब तो जाके कुछ ठीक है मामला, लेकिन उस समय तो जरूर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आगे चलते हैं। ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योगों के लिए दोस्तों एक जो है विशेष पैकेज की घोषणा की गई। राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सीएम साहब ने उद्योगों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की। इसके तहत नया निवेश करने वाले उद्यमों को विभिन्न प्रकार के लाभ तथा सुविधाएं दी गई। उद्यमी को कम से कम 1 करोड़ रुपए का निवेश करना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों वह जो है इसके लिए लाभ प्राप्त करना पड़ेगा। दो शर्त हैं, एक तो आप 1 करोड़ का निवेश करें एटलीस्ट कोई भी उद्यमी, और 30 सितंबर 2021 तक प्रोडक्शन होना जरूरी है। अगर ये दोनों शर्तें पूरी करते हो तब आपको लाभ जो है वो मिल पाएगा। दो शर्तें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ये लेट बता रहे हैं। नहीं, ये जो है तुम्हें आदत कहाँ से पड़ी भाई इतनी लेट आने की? 7 बजे क्लास, 7:10 पर आ रहे हो तुम लोग आके। गुड इवनिंग, लेट आओ ना क्लास में। तो याद नहीं अपने स्कूल में लेट जाते थे चुपचाप, मास्टर नहीं देखे तो आके अपने चुपचाप बैठ जाओ क्लास में, पीछे जाके पता ही नहीं चले। तुम तो मतलब लेट भी आ रहे हो, लेट आके फिर राम राम भी कर, गजब कॉन्फिडेंस, गजब है तुम लोगों का। तो भाई टाइम से आ जाया करो, निवेदन आपसे। तो उद्यमी कम से कम 1 करोड़ का एटलीस्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और 30 सितंबर जो है तब तक प्रोडक्शन जरूर। ओके, तो क्या सुविधाएं मिलेंगी? पहली सुविधा एमएसएमई एक्ट 2019, हमने पहले भी पढ़ा था, प्रारंभिक 3 वर्ष तक राज्य सरकार इन प्लांट का जो है आपको इन प्लांट के लिए जगह जगह से स्वीकृतियां तथा निरीक्षण से छूट मिलेगी, आप तो प्रोडक्शन करो। आप सबको पता है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना मैंने आपको पढ़ाई थी, रिप्स 2019 याद है, रिप्स 2019 भी हमने पढ़ा था, और साथ ही साथ में एमएसएमई एक्ट के तहत सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम भी पढ़ा था। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ाया है तो वो थोड़ा जाके बैक में, यहाँ पे सारी क्लासेस उपलब्ध है प्लेलिस्ट में योजनाओं में। तो फ्लैगशिप योजना में सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम में कितने साल तक छूट थी, ठीक है, तो कितने, 3 साल की। हाँ, संबंधित विभाग से जरूरी स्वीकृतियां, बिजली पानी का कनेक्शन, ये जल्द से जल्द आपको जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। प्लांट मशीनरी तथा अन्य उपकरण पर किए गए व्यय पर अधिकतम 50 लाख रुपए या दोस्तों आपके जो है 25% तक का पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। मैक्सिमम 50 लाख रुपए या जितना भी आपने लगाया। मान लो आपने 1 करोड़ लगाया, तो 1 करोड़ लगाया तो आपको जो है वो 50 लाख नहीं मिलेगा, फिर 25 लाख ही मिलेगा। मान लो आपने 2 करोड़ लगाया, 2 करोड़ लगाया तो 25% 50 लाख होता है, और 50 लाख मैक्सिमम की बात है। लेकिन मान लो आपने 5 करोड़ का प्लांट लगाया तो उस कंडीशन में 50 लाख ही मिलेंगे, 25% निकालने मत बैठ जाना, 25% तो ज्यादा निकलेगा। तो मैक्सिमम 50 लाख या 25% जो है वो आपको जो अनुदान 2 किस्तों में दिया जाएगा। बहुत अच्छी स्कीम थी, ताकि आपके यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन के प्लांट लगें। जो बच्चे आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसे देखें, क्योंकि आपके लिए ये जरूर लाभदायक होगा। पहला किस्त प्लांट मशीनरी तथा उपकरण खरीदने के लिए अगर आदेश प्रस्तुत करते हो तब मिल जाएगा जब आप लगा रहे हो, और दूसरी किस्त आपको तब मिलेगी दोस्तों जब आपके यहाँ प्रारंभ करते हो आप उत्पादन, क्योंकि आपको डेडलाइन दी गई है 30 सितंबर 2021 तक आप क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो किस्त फर्स्ट और किस्त सेकंड जो है आपको बाद में मिलेगी, पहले आप प्लांट लगा लो और तो अगर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो तो सेकंड किस्त भी आपको मिल जाएगी। कृषि भूमि पर अगर आप ऑक्सीजन प्लांट लगाते हैं तो राज्य सरकार ने कृषि भूमि पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए लीज की राशि में 100% छूट दे दी है। निशुल्क भू उपयोग रूपांतरण भी कर दिया है, जो भी आपके यहाँ और प्रोविजन थे एकदम छूट दे दी गई है, क्योंकि आपातकाल में गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेना चाहती, गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाओ। ऐसा नहीं है कृषि भूमि में फिर पहले आप कमर्शियल भूमि में उसे चेंज करवाओ, ये वो, ये जो है काम हाथों हाथ कर लो फास्ट ट्रैक पे, टेंशन की जरूरत नहीं है। तो ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जो सुविधाएं हैं, जो पैकेज है, वो सबको क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी कुछ लोग बहुत लेट चल रहे हैं, आई थिंक मैंने 15 मिनट पहले पूछा था कुछ, उसका जवाब अब दे रहे हैं। रिफ्रेश कर लो भाई एक बार। ओके, गुड इवनिंग, आगे बात करते हैं ऑक्सीजन प्लांट पे। ये भी कहा गया
कि राजस्थान में जो है अगर कोई नगरीय या स्वायत्त शासन विभाग राज्य के अंदर दोस्तों प्लांट लगाने की भी तैयारी कर ली थी, और राज्य में 59 निकाय क्षेत्र जो आपके शहरी नगर पालिका या नगर निकाय है वो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना तैयार कर ली है और 2 माह में स्थापित कर देंगे, लगभग 125 करोड़ की लागत लगेगी। ये भी दोस्तों आपके यहाँ आपने सुना होगा, ठीक है। तो कई जगह देखा आपने नगर निकायों की फोटो भी आई थी कि यहाँ पे प्लांट लग रहा है, प्लांट बनने जा रहा है, तो लगभग 59 निकायों में जो है वो ऑक्सीजन प्लांट आपके लगाने की योजना तैयार होगी। तो बहुत वृहद स्तर पे काम कर रहे थे हम, उद्यमियों को भी लाभ दे रहे थे, इधर से नगर निकाय जो है इनको भी हमने कह दिया था। इसी दौरान इंग्लैंड ने भारत को 3 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भेंट किए, और इनमें से 2 दोस्तों किसको मिले, राजस्थान को मिले दोस्तों। एक तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर और एक झालावाड़ मेडिकल कॉलेज दोस्तों, 2 जगह, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। इंग्लैंड के द्वारा दिए गए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है दोस्तों आपके यहाँ, वे प्लांट जो है एक तो अपने को अजमेर में मिला, एक झालावाड़, एक मिला दोस्तों असम को। तो इंग्लैंड ने जो दिए थे दोस्तों वो 3 जो है उनमें से 2 हमें मिले, तो एक अजमेर एक झालावाड़। हाँ लाइक करो सर, सब सर पढ़ाने में बिजी। हाँ भाई सब लिखो एक बार, अजमेर झालावाड़, अजमेर और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज को, और अजमेर मेडिकल कॉलेज को है जो इंग्लैंड से भी दोस्तों ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मिले। क्लियर है सबको, अजमेर झालावाड़, चलो ठीक है। तो ये अच्छी क्वालिटी के जनरेशन प्लांट है, 100% ऑक्सीजन सिलेंडर के बराबर, 100 मतलब प्रतिदिन 100 ऑक्सीजन सिलेंडर के बराबर इनकी क्षमता है। पार्ट हुआ मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान, मेरा गांव है मेरी जिम्मेदारी अभियान जो है वो 26 मई से स्टार्ट हुआ। अब तक क्लियर नहीं हुआ क्या, कमेंट करके बताओ सभी स्टूडेंट, क्लियर ऑडियो वीडियो। हाँ 26 मई से स्टार्ट किया गया मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान, कोरोना से गांवों को बचाना है। जनप्रतिनिधियों को कोरोना गाइडलाइन के द्वारा गांव में क्रियान्वयन करने के लिए निवेदन किया गया। सरपंच को और ग्राम सेवक को जो है वो पाबंद किया गया कि आप अपने गांव में जिम्मेदारी आप ही लो, क्योंकि आपका गांव आपकी जिम्मेदारी। आप बोलो एक बार मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी, 26 मई 2021, 26 मई 2021 याद रखें भाई, ठीक है। 26 मई 2021 मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान, क्लियर है सबको। 26 मई 2021 वापस अगर आपको पता है तो गांव में एकदम एक्टिव हो गए थे आपके यहाँ, चाहे वो कोरोना की टीम हो दोस्तों, चाहे आपका स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, सबकी एक जो है एक टीम बनाई गई थी, और वो कोर टीम का काम था कि गांव को लोगों को जिम्मेदारी से समझाया जाए, बताया जाए कि आपको लॉकडाउन की पालना करनी है, मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी 26 मई को, ठीक है। तो ये आपका नया बैच आ रहा है 9 जून को, और ये आपका जो है 7 जून को। अब बात करते हैं आयु 64 फॉर्मूला, ये आपने सुना कभी आयु 64 फॉर्मूला क्या है। आयु 64 फॉर्मूले में सप्तवर्ण, कुटकी, चिरायता, कुबेरक्ष ये औषधियां जो है मिलाई गई है। ये फॉर्मूला ऐसा है जिसे पोली हर्बल फॉर्मुलेशन भी कहते हैं, मतलब कई प्रकार की दवाइयों को मिलाकर क्या बनाया गया है, आयु 64 फॉर्मूला, याद रखें दोस्तों ये आयु 64 फॉर्मूला जो है। तो ये आयु 64 फॉर्मूला जो है ये कोरोना के लिए सही में कारगर है, याद रखें आयु 64 फॉर्मूला। वो जो पहले आई थी ना वो नहीं थी, वो तो प्रचार था भाई, वो तो क्या था, केवल और केवल प्रचार था, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर था जो भी था वो ठीक है। ये जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस जो है, नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के द्वारा ये जारी की गई है दोस्तों आपके, यह इस दवाई को लेने की सलाह आयुर्वेद एवं योग पर आधारित जो नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो है उन्होंने भी कहा है कि आप जो है इसको लीजिए, और ये सही मायने में इसका पहले भी हमने मलेरिया में उपयोग किया है, ये काम की चीज है। तो आयु 64 फॉर्मूला जो है दोस्तों, इसमें कई प्रकार की औषधियां हैं, सप्तवर्ण, अंग्रेजी में नाम पढ़ लेना भाई, सप्तवर्ण, कुटकी, चिरायता, कुबेरक्ष, वैसे मैं भी बता दूंगा आपको, एस्टोनिया, स्क्लोरेसिस, स्वेरेटेरिया, चेरिटा, लेकिन ये कहाँ काम आएगा, कोई जरूरत नहीं है, बस आयु 64 याद रखें। किससे संबंधित, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हो कि कोविड के लिए एक जो है ये क्या है। हाँ नहीं, वो बाबा वाले की बात नहीं करनी है फालतू में। हाँ पॉली हर्बल फार्मुलेशन, पॉली का मतलब ये बहुत सारे इसके अंदर जो है वो आयुष की दवाइयां हैं, सप्तवर्ण, चिरायता, कुटकी, कुबेरक्ष, तो इसका उपयोग करके बनाया, विकसित किया सेंट्रल
सेंटर काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंस, ये देखो एसीसी दवाई है, दिख रही है सबको, एसीसी दवाई है। तो अगर आप सब लोग जो है मतलब अपन तो एक बार ठीक है बचे रहो अपने, तो टीका विका लगा लो ना, जरूरत पड़े लेनी पड़े, लेकिन फिर भी अगर आप आयुर्वेद की तरफ देखना चाहें तो आयु 64 ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेटर है। ये दवा हल्के तथा मध्यम COVID-19 संक्रमण के लिए लाभकारी है, ऐसे कोई जो सीरियस जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कर जाए उसके बाद तो नहीं। इसका उपयोग राजस्थान असम में पहले भी हो रखा है, राजस्थान में 1994 में, असम में 1996 में मलेरिया महामारी में दोस्तों इसका उपयोग किया गया था, मलेरिया रोग से बचने के लिए भी इसका उपयोग किया गया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सूजस में बड़ा हाईलाइट किया हुआ था तो मैंने सोचा इसकी फोटो भी आपको दिखा दूं, कल को तुम लेने जाओ ये, कोई आपको फिर वापस से वो बाबा वाला कुछ पकड़ा दे, तो नहीं। आयु 64 सरकार ने कहा है, काउंसिल ने कहा है, क्लिनिकल मैनेजमेंट जो है उनका काउंसिल उन्होंने भी कहा है, तो अपने लोग को भी यही अपनानी है, याद रह जाएगा। ब्लैक फंगस, बात करें ब्लैक फंगस के बारे में, कल भी वैसे बात तो की थी हमने ब्लैक फंगस, हाँ तब देखो मैंने फोटो वोटो सब दिखा दिए भी, आराम से देख लेना। ब्लैक फंगस, इस फंगस का नाम क्या है? नाम दोस्तों जो है वो क्या है, म्यूकोरमिकोसिस है इसका नाम, जो है म्यूकोरमिकोसिस इसका नाम है इस फंगस का। और यह फंगस जो है दोस्तों एक गंभीर या रेयर फंगस संक्रमण है, वैसे बहुत कम मिलता है लेकिन आजकल ये जो है ज्यादा ही हुआ, इसका मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा क्या मामला है। और अगर हम इसको देखें तो ये म्यूकोरोमाइसेटिस नामक का एक फफूंद होता है, उसमें कई कैटेगरी के फंगस होते हैं, उनमें से एक आपका म्यूकोरोमिकोसिस जो है उस फंगस के द्वारा होता है। तो ये रोगजनक आने वाले हर एग्जाम में पूछा जाएगा, स्टार लगा लेना फंगस का नाम, स्टार लगा लेना फंगस का नाम, याद होना चाहिए, सब लिखो एक बार म्यूकोरोमाइकोसिस सब लिखो। अब इस फंगस के कारण जो है दोस्तों फेफड़ों, मस्तिष्क, जबड़ा, आंख, नाक आदि में जो है वो प्रभाव होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या मामला है, ठीक है। तो ब्लैक फंगस के बारे में बात करते हैं, तो ब्लैक फंगस जो है यह संक्रमण उन लोगों को अधिक हो रहा है जो अन्य किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या COVID-19 से दोस्तों उनका इलाज चल रहा है उस समय दोस्तों ये जो है ब्लैक फंगस जो है ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखा आप लोगों ने, ब्लैक फंगस जो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आंख नाक के आसपास दर्द होता है, लक्षण आपके नॉर्मल जो है वो क्या है, आंख नाक के आसपास दर्द होना, नाक में काला खून आना, ब्लैक, अभी ब्लैक फंगस है तो खून भी ब्लैक कर देता है ये, दांतों का दर्द है या दांतों का ढीला होना, ये भाई टाइपिस्ट कुछ और ही ढीला करेगा, दांतों का भाई ढंग से लिख दिया कर यार, रोजगार का सवाल है, ऐसे क्या करते हो, बताया अभी था मैंने। हाँ क्योंकि जब जबड़े में होता है तो दांत जो है ना वो भी दोस्तों क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। खांसी, सांस में तकलीफ, खांसी सांस में तकलीफ, बुखार, सरदर्द, ये भी इस समय होता है, धुंधला दिखने लग जाता है, दर्द के साथ दोहरी दृष्टि हो जाती है, आदमी में कुछ दिखता ही नहीं, बहुत भारी काम है। तो सही है यार, अब ऐसे दांत ढीले हो रहे हैं तो ये कुछ और ही लिख रहा है, खांसी को खांची लिख रहा है, तो ये करेगा उपचू काम तो मेरे को लग रहा है, कोई नहीं आप तो समझ जाते हो। तो आंख नाक के पास दर्द होना, नाक से काला खून आना, दांतों में दर्द होना, खांसी सांस में तकलीफ, बुखार, सरदर्द, धुंधला दिखाई देना, मतलब कोरोना से तो परेशान थे ऊपर से ये ब्लैक फंगस आ गए, ठीक है। तो ये भी आप जरूर याद रखें। उसके बाद में देखते हैं कारण क्या है, कारण दोस्तों आपके जो ये सांस के जरिए वातावरण में हमारे शरीर में पहुंचता है, ये सांस के जरिए वातावरण से हमारे शरीर में पहुंच सकता है, या जो लोग बिना सलाह के बहुत ज्यादा स्टेरॉइड का उपयोग कर रहे हैं उनको भी हो सकता है, बहुत ही ज्यादा उपयोग कर रहे हैं स्टेरॉइड का उसको भी हो सकता है, ब्लड शुगर ज्यादा है उनको भी दोस्तों ये हो सकता है, एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाएं अंधाधुंध ले रहे हैं जनता, कोई बात किए बगैर, आजकल नहीं चला कोरोना के टाइम में हर आदमी डॉक्टर बन रहा है, चार पांच दवाई ले आया, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीवायरस, ये सारी लेकर, एंटी तो बहुत ही ज्यादा चल रहा है मामला, तो नहीं ऐसा नहीं है, डॉक्टर की सलाह पढ़ लो भाई। ऑक्सीजन थेरेपी में जो आपके यहाँ इस्तेमाल होता है ह्यूमिड फायर कंटेनर जो आपकी बात करते हैं उनकी सफाई नहीं होती है तो भी समस्या है, क्योंकि ऑक्सीजन थेरेपी के समय जो आप क्या ह्यूमिड फायर कंटेनरों की अगर सफाई नहीं होती, और ये आपने देखा भी होगा जिन चीज़ों की सफाई डेली होनी चाहिए उनकी 5-5 6-6 दिन जो है वो सफाई नहीं होती है तो उससे समस्या उत्पन्न हो जाती है वहां पे क्या फंगस। एक बात याद रखना, अगर सफाई नहीं है, और सफाई अगर नहीं है दोस्तों साथ ही साथ अगर वहां पे नमी है
तो फंगस चाहे ब्लैक हो, चाहे व्हाइट हो, चाहे लाल हो, फंगस किसी भी प्रकार का हो, फंगस पक्का होता है। ठीक है, तो फंगस जो है फफूंद वहीं पलती है जहां पे सफाई ना हो और नमी ज्यादा हो दोस्तों, तो वहां पे फंगस होता ही है। ऑक्सीजन की पाइप आपूर्ति प्रणाली में भी वायरस और बैक्टीरिया की सांद्रता बढ़ जाती है, वहां पे भी हो सकता है अगर आपके साफ सफाई ना हो और अगर ऑक्सीजन की पाइप से जो सप्लाई है वो भी नहीं है। तो जहां पे ऑक्सीजन प्लांट है वहां पे भी सफाई और नमी होनी चाहिए। ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है तो जो आपके जो बोतल से लगी रहती है ना ह्यूमिडिफायर वाली, जहां पे ह्यूमिडिटी कंट्रोल करती है, उसकी टाइम टू टाइम सफाई होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आप जरूर याद रखें। अस्पतालों में ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान जो आपका ह्यूमिडिफायर जो है उसको बार बार जो क्या किया जाए, साफ किया जाए, साफ किया जाए, पानी से उसे जो है वो साफ किया जाए। डॉक्टर्स रोगियों को एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल या स्टोरॉयड के जो इस्तेमाल है उसके बचाव पर ध्यान देंगी। जो है ये आपका रोगी है वो बिना मतलब ज्यादा तो एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल या स्टोरॉयड तो नहीं ले रहा। और मधुमेह से पीड़ित रोगी जो है उनका ब्लड जो है शुगर जो है उसको बार बार चेक किया जाए, बार बार क्या किया जाए, चेक किया जाए। ओके, ये कोई पूछे स्टेरॉइड क्या होता है? एक प्रकार का नशा होता है जो आसपास के सेल को डल करता है और आर्टिफिशियल पावर देता है। एकदम सही एक्सप्लेन किया धर्मेंद्र जी आपने। अब दोस्तों उपचार क्या है? तो इसका उपचार एक दवाई है जो राजस्थान ने बाहर से मंगाई है, आपने देख रहे होंगे, लाइपोसोमल आपके एम्फोमेरिटिसिन जो है आपकी एम्फोटेरिसिन लाइपोसोमल, ये देखो आपको दिख रहा होगा, लाइपोसोमल में नाम लिख देता हूँ पूरा, लाइपोसोमल, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी दवाई है ना वो है, या फिर बाद में सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, तो ये भी खतरनाक ही काम है भाई, ध्यान रखें। कोई बात नहीं, तिया लेट हो गए तो क्या है, अब पढ़ लो, कोई बात, ज्यादा लेट नहीं हुए हो। और आज तो आपके अगर पता है तो प्लस पे भी 2 क्लास है, 8 से 9:30 और आपकी फिर 10 से 11:30 कोर्स का आज लास्ट दिन है। जो भी स्टूडेंट इन्फ्लेशन पढ़ना चाहते हैं, महंगाई पढ़ना चाहते हैं, वो जरूर आज जल्दी पधारें। ओके, तो ब्लैक फंगस किस किस स्टूडेंट को क्लियर है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस जो आपका फंगस होता है उससे होता है और ये इसके लक्षण है, पूरा ढंग से पढ़ लेना, मेंस में भी आ जाएगा, ये कारण है इसीलिए तुम्हारे लिए बनाया गया है ये, क्योंकि आप चाहे कहीं पे ही पढ़ें कवर होना चाहिए, ये बचाव और उपचार है, ये बचाव और उपचार है, याद रखे, लाइपोसोमल। ओके, वेरी गुड। ओके, आज क्लास ही क्लास है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, वेट कर रहे थे, वो जल्दी एडमिशन ले लें। कल 7 जून है, कल से मेरा बैच स्टार्ट है, पहली क्लास 9 बजे से मैं ही लूंगा राजस्थानी को की, तो जल्दी एडमिशन लें दोस्तों, कपिल 07 लगाएं और पढ़ाई स्टार्ट करें, और पढ़ाई स्टार्ट करें। और अभी देखो फायदा ये है कि 12 महीने पे जो है वो 2 महीना ऑफ मिल रहा है और 24 महीने पे 3 महीना, मतलब 7560 रुपये आपके लगते हैं और मेरा कोड लगाने के बाद है, और उसमें 27 महीने मिल जाते हैं, मतलब 300 रुपये भी आपके पर मंथ नहीं लगे, दिन के निकालो तो 10 रुपये भी नहीं, मैगी से सस्ता है। लेकिन थोड़ा जो है ध्यान लगा के एडमिशन लो, कपिल 07 कोड लगाओ और आ जाओ। पहले चाहे कितने रुपए लग गए, रिकॉर्डेड में फंस रखे हो या 72,000 वालों में फंस रखे हो, तो भी बचो, आ जाओ, टेंशन मत लो। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही होगी, कल हम जो है नए टॉपिक के साथ आएंगे, क्योंकि कल की क्लास लंबी थी उसकी वजह से आज जो है थोड़ा सा अपन इतना ही कवर करेंगे, कल जो है हमें नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है वो आराम से कोरोना की फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, जो भी बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो भी जरूर इसको पढ़ लें भाई, कोई पूछ सकता है सेकेंड वेव फर्स्ट वेव या ऑक्सीजन प्लांट की बात हो, मेंस में बहुत काम आएगा ये टॉपिक आपके, चाहे ब्लैक फंगस की बात करें दोस्तों आपके यहाँ, चाहे मेरा गांव मेरा अभियान, जरूर। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, मिलते हैं दोस्तों कल शाम को 7 बजे, बाय, टेक केयर।